मेरठ विकास प्राधिकरण ने हाल ही में अपने नक्शा पास कराने वाली ऑनलाइन वेबसाइट में बदलाव किया है और इस नए बदलाव को योगी आदित्यनाथ द्वारा सराहा भी गया, लेकिन नई वेबसाइट बनने के बाद आर्किटेक्ट भ्रमित हो उठे और उन्हें नक्शा पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शहर में होने वाला निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। और इसी खामी को दूर करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें सभी इंजीनियर्स को बुलाकर नई तकनीक के बारे में समझाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी मनोवर चौहान ने मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS राजेश पांडे से बातचीत की है। चलिए उस बातचीत को भी आपको सुनाते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के राजस्व को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है नक्शों का पास होना, लेकिन इस वक्त नई साइट बनने के बाद नक्शे पास नहीं हो पा रहे थे, समस्याएं आ रही थी, लेकिन उसको लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं, मेरे साथ खुद VC हैं मेरठ विकास प्राधिकरण के राजेश पांडे से जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरीके से अब नक्शे पास करने के लिए उसकी जटिलता को आसान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से सुझाव और आर्किटेक्चर को समझाया जा रहा है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है RNN TV में। सर किस तरीके से नक्शे पास किए जाएंगे, क्योंकि पिछले जब से साइट बनी जब से समस्या आ रही है, आर्किटेक्चर परेशान है, नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं जो निर्माण कार्य है वो भी बाधित है। देखिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम मेरठ विकास प्राधिकरण में शासन के निर्देश पर लागू किया गया है और ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रक्रिया है, जिसमें आर्किटेक्ट मैप को जो है वो DCR उस मोड में सबमिट करता है और वह ऑटोमेटिक उसका जो है उसकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी होने के बाद वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी CTP के पास और TP के पास वो अप्रूवल के लिए जाता है। अभी इसमें क्या हो रहा था कि जब आर्किटेक्ट डाल रहे थे मैप को उसमें सबमिट करते थे तो उसमें कुछ दिक्कतें तकनीकी तौर पर आती थी तो वो शॉर्टफॉल में चला जाता था। जैसे हमारे मेरठ विकास प्राधिकरण में 139 नक्शे हैं उसमें 51 नक्शे शॉर्टफॉल में चले गए, अर्थात उसमें कुछ कमी थी स्क्रूटनी, तो आवेदक स्वयं उसको दूर करके करता है कि जिससे नक्शा पास करने में बहुत टाइम भी नहीं लगता और कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। तो उसमें जो लेयर्स पे कई दिक्कत थी, कभी NOCs को लेकर के प्रॉब्लम्स थी, कभी नोटशीट जनरेट नहीं होती थी, तो बेहतर था कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी समझ सभी को हो जाए, इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट को। तो इसके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला शासन के निर्देश पे यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें इस सिस्टम के OB पास सिस्टम के जो बारीकियाँ हैं उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, एक तो होता था कि उनको केवल मुंह से बताते चले जाएं और लोग सुने चले जाएं, हर प्रत्येक आर्किटेक्ट को जिसको बुलाया गया, पूरे दिन भर की कार्यशाला है। बिल्कुल, जो आर्किटेक्ट हैं और इंजीनियर हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि अब मेरठ विकास प्राधिकरण ने 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की है। हालांकि अगर फिर भी समस्याएं आती हैं तो मेरठ विकास प्राधिकरण में आ सकते हैं लोग, मिल सकते हैं और समझ सकते हैं। कैमरामैन सलमान के साथ मनोवर चौहान, RNN TV मेरठ।